morning, welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 4, Scene 1 of Twelfth Night. And guys, इस वीडियो से पहले हमने Twelfth Night का इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और कंप्लीट समरी इस नॉवल की डिस्कस कर ली है. साथ ही साथ जो भी प्रीवियस एक्ट और प्रीवियस सीन्स हैं उनकी समरी और एनालिसिस भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 4 सीन 1. सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन. सो गाइस, दिस सीन ओपन्स ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ ओलिविया'स हाउस. सो गाइस, ये जो सीन है ये ओलिविया के घर के सामने जो गली होती है वहाँ पर स्टार्ट होता है. मतलब इसका जो प्लॉट है ना, ओलिविया का घर है ना ओलिविया का गार्डन है, बल्कि ओलिविया के घर के बाहर की गली इसका प्लॉट है. वहाँ से ये सीन ओपन होता है. वेयर फेस्टे इज टॉकिंग टू सेबेस्टियन, जहाँ पर फेस्टे सेबेस्टियन से बात करता है. एंड ही हैज मिस्टेकन सेबेस्टियन फॉर सिज़ेरियो एंड सेज दैट हिज मिस्ट्रेस हैज सेंट हिम टू सिज़ेरियो. सो गाइस देखो, ओलिविया के घर के बाहर की गली में जाता है फेस्टे, और ये सेबेस्टियन को समझ लेता है सिज़ेरियो, और ये सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ के उससे बातें करता है और बोलता है कि जो उसकी मिस्ट्रेस है काउंटेस ओलिविया, उसने भेजा है मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए. एंड देन सेबेस्टियन इज अनॉयड एट दिस. सो सेबेस्टियन जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये कौन है, मैं इसे जानता नहीं हूँ, और इसकी जो काउंटेस है उसने इसे भेजा है मेरे लिए. एंड देन वो उसे कुछ टिप दे देता है. ही गिव्स अ जेनरस टिप टू हिम. वो उसे कुछ टिप देता है कि जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा है, तो तुम ये टिप ले लो और यहाँ से जाओ. एज बोथ ऑफ देम कन्विंस. सो गाइस, सेबेस्टियन और फेस्टे आपस में बात कर ही रहे थे. देन टॉबी, एंड्रू एंड फैबियन एंटर, एंड एंड्रू अज्यूमिंग दैट सेबेस्टियन इज द कॉवर्डली सिज़ेरियो एंड स्ट्राइक्स हिम. सो गाइस देखो, सेबेस्टियन और फेस्टे आपस में बात कर ही रहे थे, तो वहां पर आ जाता है टोबी वेल्च, एंड्रू एगिचिक और फैबियन. और एंड्रू एगिचिक सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ लेता है और वो उसे कावर्ड बोलता है, डरपोक बोलता है, एंड स्ट्राइक्स हिम. वेयर अपॉन सेबेस्टियन बीट्स एंड्रू एंड आस्क्स आर ऑल द पीपल मैड. सो गाइस, सेबेस्टियन को एंड्रू एगिचिक कावर्ड बोलता है, और इस बात से सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. सेबेस्टियन उसे मारता है, पीटता है और बोलता है आर ऑल द पीपल मैड, कि यहाँ के सब लोग पागल वागल है क्या. एंड देन फेस्टे सेज दैट ही विल रिपोर्ट टू ओलिविया अबाउट इट, एंड शी विल नॉट बी प्लीज टू लर्न दैट हर फेवरेट स्यूटर हैज क्वारल्ड विद ओलिविया'स अंकल एंड टोबी. सो गाइस, जो फेस्टे होता है वो इस इंसिडेंट के बाद बोलता है कि ठीक है, वो ओलिविया के पास जा रहा है, वो ओलिविया को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करेगा कि सेज़ेरियो ने उसके अंकल टोबी बेल्च और अंकल के फ्रेंड एंड्रू एगिचिक को बहुत ज़्यादा मारा है, उनके साथ झगड़ा किया है, उनके साथ लड़ाई करी है. और ये सुनकर जो ओलिविया है वो बिल्कुल भी प्लीज नहीं होगी कि उसके फेवरेट स्यूटर ने इस तरीके की हरकत की है उसके अंकल और अंकल के फ्रेंड के साथ. इन ऑर्डर टू सेव एंड्रू फ्रॉम एनी ग्रेटर इंजरी, फेस्टे ग्रैब सेबेस्टियन बाय हैंड. और गाइज, एंड्रू को ज़्यादा चोट ना लगे फेस्टे, इसलिए जो सेबेस्टियन है उसका हाथ पकड़ लेता है. एंड देन ओलिविया अराइव्स, अज्यूम्स दैट सेबेस्टियन इज सेज़ेरियो एंड प्लीड्स विद हिम टू गो इनटू द हाउस. सो गाइज देखो, जब ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो वहाँ पर आ जाती है ओलिविया, और ओलिविया भी सेबेस्टियन को सेज़ेरियो समझ लेती है और उसे बोलती है, उसे प्लीड करती है कि चलो तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो. शी सेवरली रिप्रिमाइंड्स टोबी एंड सेंड्स हिम अवे. सो गाइज देखो, जो ओलिविया है वो टोबी बेल्च को ही बोलती है और उसे वहाँ से भेज देती है. एंड देन शी अपोलोजाइज फॉर द प्रैंक्स ऑफ दीज. और उसके बाद जो ओलिविया है वो अपोलोजाइज करती है, माफ़ी मांगती है कि जो भी इन सब लोगों ने किया है उसके लिए. वाइल शी इज़ टॉकिंग सेबेस्टियन इज स्पीचलेस. और जब ओलिविया ये सब बातें बोल रही होती है, माफ़ी मांग रही होती है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, प्रैंक किया है तुम्हारे साथ, ये सब चीज़ें जब बोल रही होती है ओलिविया, सो सेबेस्टियन जो है वो बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, स्पीचलेस रहता है, एंड ही कैन नॉट बिलीव वॉट इज़ हैपनिंग. और सेबेस्टियन को यकीन ही नहीं होता है कि हाँ भाई ये हो क्या रहा है. ही इज़ बींग वूड इन द मोस्ट आर्डेंट ऑफ टर्म्स बाय अ ब्यूटिफुल यंग काउंटेस. वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी आंखों के सामने ये क्या चल रहा है. और वो बोलता है कि इतनी सुंदर यंग काउंटेस मुझे वू कर रही है, मतलब प्रपोज कर रही है, वो भी इतनी ज़्यादा ब्यूटिफुल मैनर में, इन द मोस्ट आर्डेंट टर्म्स. एंड ही सेज दैट इफ़ दिस बी अ ड्रीम, लेट फैंटेसी होना था गाइज, ये लेट फैंटेसी स्टिल माई सेंस. और क्या सोचता है ये सेबेस्टियन कि अगर ये सब कुछ मेरे ड्रीम में, मेरे सपने में चल रहा है, सो लेट फैंटेसी स्टिल माई सेंस, कि जो हो रहा है होने दो. सो गाइज ये सीन यहीं पर इस तरीके से एंड हो जाता है. एक्ट 4 सीन 2 ऑफ ट्वेल्थ नाइट. और गाइज इस सीन से पहले हम लोग ट्वेल्थ नाइट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और कंप्लीट समरी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो इस सीन के पहले के सीन और एक्ट्स है वो भी समरी और एनालिसिस के साथ हमने डिस्कस कर लिए थे. सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्ट 4 सीन 2 की समरी और एनालिसिस. सो गाइज अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड इंग्लिश, वहां पर जाकर आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं. और गाइज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी. सो अगर आप लोग चाहते हैं जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें. विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन. सो गाइज दिस सीन ओपन्स इन द हाउस ऑफ काउंटेस ओलिविया. सो गाइज ये
जो सीन है ये काउंटेस ओलिविया के घर से स्टार्ट होता है. इसका जो प्लॉट है वो ओलिविया का घर है. एंड मारिया मेक्स फेस्टे डिस्गाइज एंड आस्क हिम टू प्रिटेंड दैट ही इज द प्रीस्ट नेम सर टोपेज हु हैज कम टू विजिट मालवोलियो. सो गाइज मारिया फेस्टे को बोलते हैं कि तुम अपने आप को डिस्गाइज कर लो एज अ प्रीस्ट और अपना नाम रखो सर टोपेज. और वो फेस्टे को क्यों बोलती है अपने आप को ऐसे डिस्गाइज करने के लिए, बिकॉज वो बोलती है फेस्टे को कि डिस्गाइज करने के बाद तुम बोलना मैं प्रीस्ट हूँ और मैं मालवोलियो से मिलने आया हूँ. एंड देन ओलिविया टोल्ड मारिया टोबी एंड क्रू टू टेक ऑफ द प्रीस्ट व्हेन इट सीम्ड दैट मालवोलियो हैज़ गोन. सो गाइज ओलिविया बोलती है मारिया टोबी और जो भी इनका ग्रुप है उसे कि ठीक है इन प्रीस्ट को तुम ले जाओ मालवोलियो के पास और जब तुम्हें लगे कि जो मालवोलियो है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो तुम प्रीस्ट को वहाँ से ले आना, टेक ऑफ द प्रीस्ट फ्रॉम देयर. And then Festi hopes he is the first man disguised as clergyman as then he approaches Malvolio and says that he had come to visit Malvolio the madman. So guys देखो जो Festi है वो बोलता है कि वो पहला ऐसा इंसान है जिसने अपने आप को disguise किया है as a clergyman और इस तरीके की बातें वो बोलता है और उसके बाद वो Malvolio से जाकर मिलता है और बोलता है कि he had come to visit Malvolio the madman कि मतलब वो Malvolio the madman से मिलने आया है, कि मतलब ये चीज़ इन्होंने पूरी अनाउंस करवा दिया कि मालवोलियो सच में पागल हो गया है, मालवोलियो इज़ दी मैडमैन. सो मालवोलियो बैग्स प्रीस्ट टोपेज टू फैच ओलिविया सो दैट होल मैस कैन बी स्ट्रेटन्ड आउट. सो गाइज देखो जब ये प्रीस्ट जाता है मालवोलियो से मिलने के लिए, एक तो कमरे में पूरा अंधेरा होता है और मालवोलियो उस प्रीस्ट से बोलता है कि आप यहाँ पर प्लीज़ ओलिविया को बुला दीजिए ताकि जो ये पूरा मैस है ये क्लियर हो सके. प्रिटेंडिंग टू बी प्रीस्ट फेस्टे सेज That why does Malvolio only talk about women? So guys देखो जो फेस्टे है वो अपने आप को इस टाइम पर प्रीस्ट समझ रहा है, प्रीस्ट की तरह ही बिहेव करते हुए प्रिटेंड करता है अपने आप को कि हाँ मैं प्रीस्ट हूँ. इस तरीके से प्रिटेंड करते हुए फेस्टे यहाँ पर बोलता है मालवोलियो को कि तुम हमेशा विमेन के बारे में ही बातें क्यों करते रहते हो. मालवोलियो सेज दैट ही हैज़ बिन सेवरली मिसट्रीटेड एंड लॉक्ड अप इन अ डार्क रूम बाय दीज जोकर्स मीनिंग टोबी एंड क्रू. सो गाइज देखो फेस्टे को प्रीस्ट समझता है मालवोलियो और मालवोलियो क्या बोलता है फेस्टे को कि मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया, मिसट्रीट किया गया एक तरीके से मुझे, और इस अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया गया इन जोकर्स के थ्रू, मतलब जो ये टोबी और ये पूरा ग्रुप है इन्होंने मुझे इस अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया. तो मतलब मालवोलियो यहाँ पर इन्हें जोकर कह के बोल रहा है और उसे ये नहीं पता है कि जिस टोबी और क्रू को वो बोल रहा है फेस्टे उसी क्रू का एक मेंबर है और वही प्रीस्ट बनकर यहाँ पर आया है. मालवोलियो क्राइज एंड कंप्लेन्स अबाउट द डार्कनेस ऑफ द रूम. सो मालवोलियो जब वो रोता है चिल्लाता है और कंप्लेन करता है कि ये जो रूम है ये बहुत ज़्यादा अंधेरा वाला है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है. एंड देन टोपेज आर्ग्यूज विद हिम ओवर डार्कनेस ऑफ द रूम एंड हिज सैनिटी. उसके बाद जो ये प्रीस्ट है ये आर्ग्यू करता है मालवोलियो के साथ कि अंधेरा इस कमरे में है या अंधेरा तुम्हारे खुद के दिल के अंदर है. एंड देन मालवोलियो सेज दैट ही इज एज सेन एज द प्रीस्ट इज. और मालवोलियो यहाँ पर क्या बोलता है कि ही इज एज सेन एज द प्रीस्ट, उसमें भी उतना ही दिमाग है जितना प्रीस्ट में है, वो एकदम ठीक है, वो पागल नहीं हुआ है, इज नॉट मैड एट ऑल. देन टॉपेज लीव्स आफ्टर आस्किंग हिम क्वेश्चंस एंड देन डिक्लेयरिंग दैट ही इज इनसेन. सो गाइस देखो जब मालवोलियो बोलता है कि नहीं वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और वो बोलता है फेस्टे को कि बेशक से आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो. एंड देन टोपेज जो प्रीस्ट है मतलब जो फेस्टे है वो पूछता है कुछ क्वेश्चंस मालवोलियो से और उन क्वेश्चंस को पूछने के बाद वो डिक्लेयर कर देता है कि हाँ जो मालवोलियो है वो इनसेन है, मतलब मालवोलियो सच में ही पागल हो गया है. देन मारिया कमेंट्स दैट फेस्टे कुड हैव पुल्ड ऑफ प्रैंक विदाउट कॉस्ट्यूम सिंस वाइल्ड जोक डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू डिस्गाइज हिज वॉइस नॉट हिज लुक. सो गाइस देखो ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं, टोबी फेस्टे मतलब जो टोपेज प्रीस्ट बनकर गया था, मारिया ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं और मारिया क्या कमेंट करते हैं यहाँ पर कि फेस्टे को अपनी फिजिकल कॉस्ट्यूम पहनने की मतलब ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जो ये पूरा प्रैंक था जो ये पूरा जोक था ये तो उसकी इस एबिलिटी पर डिपेंड करता था कि वो अपनी वॉइस को डिस्गाइज कर पाता या नहीं, ना कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था तो उसकी फिजिकल डिस्गाइज किसी को नहीं दिखी, बल्कि उसकी जो वॉइस डिस्गाइज उसने की थी, जो अपनी वॉइस बदली थी, उसके ऊपर ही पूरा प्रैंक डिपेंड करता था. एंड देन टोबी टेल्स फेस्टे टू गो बैक टू मालवोलियो एंड प्ले हिमसेल्फ नॉट टोपेज एज इज एगर टू एंड द प्रैंक एज सून एज पॉसिबल फेस्टे ऑब्लाइजेस. सो गाइज देखो उसके बाद जो टोबी बेल्च है वो फेस्टे को दोबारा बोलता है कि तुम जाओ अंदर मालवोलियो के पास और हाँ इस बार तुम प्रीस्ट वाला रोल प्ले मत करना, बल्कि तुम खुद फेस्टे बनकर ही अंदर जाओ, बिकॉज अब टोबी से वेट नहीं हो रहा होता, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये प्रैंक खत्म हो जाए.
एंड देन फेस्टे उसकी बात मान जाता है, फेस्टे ऑब्लाइजेस एंड देन फेस्टे रिटर्न्स टू मालवोलियो एंड सिंग्स वन ऑफ हिज कैची लिटिल सॉन्ग। सो टोबी के बोलने के बाद जो फेस्टे है वो मालवोलियो के पास आता है वापस और अपना एक गाना गाता है एंड देन मालवोलियो रिकॉग्नाइजेस फेस्टे'स वॉइस एंड बेग्स हिम टू फेच हिम अ पेन पेपर एंड लाइट सो दैट ही कैन राइट। सो गाइस देखो जो मालवोलियो है वो फेस्टे की वॉइस पहचान लेता है जब वो गाना गाता है और मालवोलियो फेस्टे से बोलता है कि प्लीज़, मतलब वो बैग करता है एक तरीके से, भीख मांगता है, वो बोलता है फेस्टे को प्लीज़ मुझे पेन पेपर और थोड़ी सी लाइट जहाँ पर मिल जाए दे दो बिकॉज मुझे कुछ लिखना है सो दैट आई कैन राइट। एंड देन फेस्टे ट्रीट्स मालवोलियो एज अ मैडमैन। सो गाइस देखो जो फेस्टे है ये भी मालवोलियो को मैडमैन की तरह ही ट्रीट कर रहा है, इन सब का ही इनफैक्ट ये प्लान है। एंड देन मालवोलियो ट्राइज टू एक्सप्लेन टू दैट टोबी एंड क्रू हैव लॉक्ड हिम अप। सो गाइस देखो मालवोलियो को जब फेस्टे मैडमैन की तरह ट्रीट कर रहा होता है तो मालवोलियो एक्सप्लेन करता है फेस्टे को कि नहीं वो पागल नहीं है बल्कि टोबी और जो उसके ग्रुप है उन्होंने उसको लॉक किया है इस रूम के अंदर। देन फेस्टे इन टोपेज वॉइस एडवाइजेज मालवोलियो टू गेट सम स्लीप। सो गाइस देखो फेस्टे यहाँ पर टोपेज, मतलब जो प्रीस्ट टोपेज था, उसकी वॉइस में मालवोलियो को बोलता है कि तुम थोड़ा सो जाओ, तुम्हें थोड़ी नींद की ज़रूरत है। एंड देन ही प्रिटेंड्स टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद सर टोपेज अबाउट मालवोलियोज कंडीशन। उसके बाद गाइस फेस्टे क्या प्रिटेंड करता है कि रूम में फेस्टे भी हैं और प्रीस्ट टोपेज भी है, कि मतलब ये दोनों ही हैं, और अलग अलग आवाज़ में ही बात करता है कि मतलब जब प्रीस्ट वाली बातें बोलनी होती है तो प्रीस्ट की वॉइस में बोलता है और जब खुद की बातें बोलनी होती है तो खुद की वॉइस में बोलता है। तो इस तरीके से ये प्रिटेंड करता है कि हाँ इसकी बात चल रही है प्रीस्ट के साथ अबाउट मालवोलियोस कंडीशन, कि मालवोलियो की कैसी कंडीशन है उसके बारे में। मालवोलियो बैग्स फेस्टे फॉर अ पेन एंड पेपर अगेन। सो गाइस देखो मालवोलियो दोबारा फेस्टे को बोलता है कि प्लीज़ मुझे पेन और पेपर दे दो एंड क्लेम्स दैट ही इज़ एज सेन एज एनीबडी इन इलायरा, और बोलता है कि वो भी बिल्कुल ठीक है जैसे इलायरा के और लोग हैं। एंड फेस्टे प्रोमिसेज हिम टू फेच सम पेपर एंड पेन। जब मालवोलियो दोबारा पेपर और पेन मांगता है और बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है जैसे इलायरा के और लोग हैं तो फेस्टे उसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है वो उसे पेन और पेपर दे देगा। एंड देन फेस्टे स्किप्स ऑफ सिंगिंग वाइल मालवोलियो रिमेंस लॉक्ड अप। सो गाइस फेस्टे वहाँ से गाना गाते हुए निकल जाता है और मालवोलियो को वहीं पर बंद रखा जाता है, मालवोलियो को अंदर ही छोड़ देता है, उसे पेन और पेपर भी नहीं देता है और गाने गाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। सो गाइस दिस सीन एंड्स हियर। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एक्ट 4 सीन 3 ऑफ 12th नाइट। और गाइस इस वीडियो से पहले हमने 12th नाइट इंट्रोडक्शन मेन कैरेक्टर्स का कंप्लीट समरी डिस्कस की है और साथ ही साथ हमने सभी प्रीवियस सीन्स की समरी एनालिसिस डिस्कस कर ली है। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 4 सीन 3। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट द सीन। सो दिस सीन ओपन्स इन ओलिविया'स गार्डन। सो गाइस ये जो सीन है एक्ट 4 सीन 3 ये ओलिविया के गार्डन में स्टार्ट होता है वेयर सेबेस्टियन इज एंजॉयिंग द ब्लिस ऑफ बीइंग लव्ड बाय अ ब्यूटीफुल एंड रिच काउंटेस। सो गाइस गार्डन में होता है सेबेस्टियन जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है इस चीज़ को कि एक सुंदर ब्यूटीफुल काउंटेस उसको इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, इतना ज़्यादा प्यार उसके लिए जता रही है, बट ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग टू हिम एंड वाई। सो गाइस देखो सेबेस्टियन इस चीज़ को इंजॉय कर रहा है कि हाँ ओलिविया उसे लाइक कर रही है, बट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, वो सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ और ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। सो गाइज देखो दिस इज़ रोमांटिक कॉमेडी एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ आर द स्टॉक एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज। सो गाइज देखो 12th नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है और रोमांटिक कॉमेडी में मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है वो एक मेन थीम होती है, रोमांटिक कॉमेडी का एक मेन एलिमेंट होती है मिस्टेकन आइडेंटिटी की, मतलब आइडेंटिटी को मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है। सो सेबेस्टियन एडमायर्स द लवली पर्ल विच ओलिविया हैज़ गिवन टू हिम। सो गाइज देखो ओलिविया सेबेस्टियन को एक पर्ल देती है और ओलिविया एडमायर करता है इस चीज़ को और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जो पर्ल ओलिविया देती है उसको। एंड सेबेस्टियन वंडर्स व्हाई एंटोनियो डिड नॉट मीट हिम एट एलिफेंट इन वेयर दे अग्रीड टू मीट। और गाइज जो सेबेस्टियन है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, सोचता है कि जो एंटोनियो है वो अब तक उससे क्यों नहीं मिला, उसने तो डिसाइड किया था कि वो उससे एलिफेंट इन के यहाँ पर मिलेगा बट वहाँ पर तो वो नहीं मिला। सेबेस्टियन थिंक्स इट्स अ ड्रीम देन होल्ड्स द पर्ल एंड रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अ ड्रीम। सो गाइज देखो ये सब सेबेस्टियन सोचता है कि अब तक एंटोनियो नहीं आया है, एलिफेंट इनके यहाँ पर उन्होंने मिलने का डिसाइड किया था, और फिर सेबेस्टियन सोचता है कि जो ये ओलिविया वाला जो चल रहा है उसके साथ सीन, ये सब एक सपना है, एक ड्रीम है। बट उसके हाथ में जो पर्ल होता है सेबेस्टियन के हाथ में, सेबेस्टियन उस पर्ल को टाइटली होल्ड करके पकड़ता है, देन ही रियलाइज दैट इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स रियलिटी। सो गाइज दिस सीन थ्रोज लाइट ऑन सेबेस्टियन एंड एंटोनियोज फ्रेंडशिप। सो गाइज देखो जो ये सीन है एक्ट 4 सीन 3, ये हमें सेबेस्टियन और एंटोनियो के रिलेशनशिप, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि हाँ आखिर उनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है।
सो गाइज, सिटिंग इन गार्डन सेबेस्टियन थिंक्स ऑफ एंटोनियो एंड विशेज दैट एंटोनियो वर विद हिम टू एडवाइज हिम। सो गाइज, यहाँ पर सेबेस्टियन गार्डन में बैठा होता है और वह एंटोनियो के बारे में सोचता है। सो गाइज, देखो इस सीन में हमें ये पता लगा कि जो एंटोनियो का प्यार है सेबेस्टियन के लिए वो एकदम प्योर है, वो सच में ही सेबेस्टियन को लाइक करता है, उसके लिए कंसर्न रहता है। लेकिन जो सेबेस्टियन है वो यहाँ पर हमें थोड़ा मीन लग रहा है कि मतलब हाँ, अब उसे ज़रूरत पड़ी है तो उसे एंटोनियो की याद आ रही है। वो सोचता है कि काश उसके पास अब एंटोनियो होता और उसे एडवाइस कर पाता इस सिचुएशन में कि वो क्या करे क्या ना करे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हियर सेबेस्टियन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंटोनियो बिकॉज ही मिसेज हिम, रादर ही वॉन्ट्स हिम हेयर सो दैट ही कैन एडवाइज हिम वेदर ही शुड मैरी ओलिविया और नॉट। सो गाइज, देखो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है कि सेबेस्टियन इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि एंटोनियो कहाँ है या फिर वो एंटोनियो को मिस कर रहा है, बल्कि वो इसलिए इंटरेस्टेड होता है यहाँ पर एंटोनियो में, सो दैट एंटोनियो कैन एडवाइज हिम ही वेदर ही शुड मैरी ओलिविया और नॉट, कि उसे ओलिविया से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देन ओलिविया एंटर्स विद अ प्रीस्ट एंड टेल्स सेबेस्टियन दैट शी वॉन्ट्स हिम टू अकम्पनी हर। सेबेस्टियन एग्रीज टू मैरी ओलिविया। सो गाइस, देखो उसके बाद ओलिविया एंट्री करती है, ओलिविया प्रीस्ट को लेकर आती है और ओलिविया बताती है सेबेस्टियन को दैट शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम एंड देन सेबेस्टियन अग्रीज टू मैरी काउंटेस ओलिविया। सो गाइस, बोथ ऑफ देम हैव डिसाइडेड दैट द मैरिज विल बी कैप्ट सीक्रेट अनटिल लेटर। सो गाइस, ये दोनों ही ओलिविया और सेबेस्टियन ये डिसाइड करते हैं कि ये जो शादी कर रहे हैं इसको ये सीक्रेट रखेंगे। सो गाइस, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि ओलिविया को नहीं पता है कि वो सेबेस्टियन से शादी कर रही है। ओलिविया सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लेती है। देखो, सिजेरियो मतलब जो डिस्गाइज वियोला और सेबेस्टियन, ये दोनों ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं और जो वियोला है वो लड़की है, लेकिन इस टाइम पर उसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है, इसीलिए ये दोनों बहन भाई एकदम सेम लगते हैं, दोनों ही लड़कों जैसे लगते हैं। इसीलिए जो ओलिविया है वो समझ नहीं पाती है कि वो सेबेस्टियन से शादी कर रही है, ना कि सिजेरियो से। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपनी शादी को सीक्रेट रखेंगे जब तक कि बताने की ज़रूरत ना पड़े या सही टाइम ना आ जाए। सो गाइस, द मैरिज बिटवीन ओलिविया एंड सेबेस्टियन विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस दैट विल बी अनरेवल्ड इन द नेक्स्ट एक्ट। सो गाइस, देखो ये जो ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी हुई है, ये सीन जो नेक्स्ट एक्ट होगा एक्ट फाइव, और एक्ट फाइव में सिर्फ एक ही सीन है, एक्ट फाइव सीन वन, विच विल बी द लास्ट सीन और लास्ट एक्ट ऑफ ट्वेल्थ नाइट। सो गाइस, इन दोनों की शादी उस नेक्स्ट एक्ट को एक तरीके से कह सकते हैं हम कि कॉम्प्लिकेशंस प्रोवाइड करेगा, कि मतलब जो इस सीन में हो रहा है वो नेक्स्ट सीन में जाकर कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी और उन सब कॉम्प्लिकेशंस को सुलझाया जाएगा। और उसी तरीके से एक्ट फाइव सीन वन होगा कि जो भी इस सीन में हुआ है, इन दोनों की शादी हुई है, ओलिविया को नेक्स्ट सीन में जाकर पता लगेगा कि उसकी शादी सेजेरियो से नहीं बल्कि सेबेस्टियन से हुई है। साथ ही सेबेस्टियन और वियोला जो कि ट्विन ब्रदर सिस्टर है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस तरीके की जो सारी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्टिंग से आ रही हैं सभी एक्टर सीन में, वो लास्ट एक्टर सीन में जाकर क्लियर हो जाएंगी, सभी कॉम्प्लिकेशंस सुलझा ली जाएंगी।